चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब लोग लाइव में जुड़ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, क्लास लग गया, ठीक है, आराम कर लो। चलिए तो सीडीपी स्टार्ट किए हैं हम लोग, और एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, जो कि सभी परीक्षा, चाहे वर्ग एक हो या वर्ग दो हो या वर्ग तीन हो, और हर एक स्टेट में आपको पता है सीडीपी टीचर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। मतलब इस चढ़ाई को आप जब चढ़ेंगे तभी आप लोग शिक्षक बन पाएंगे। 30 नंबर का वेटेज सभी जगहों पे इसका रहता है, तो उसको हम लोग डेली बेसिस पे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी स्टेट के क्वेश्चंस हैं सब एक साथ लगा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग सेशन में जुड़िएगा और लाइक और शेयर कर देना, वीडियोस को भी भेज देना अपने दोस्तों में। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी डेली के बेसिस पे हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज कवर करते हुए निकल रहे हैं ना। नेक्स्ट आज कुछ नए सवालों को आप देखेंगे, तो सीधे पढ़ाई पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है, जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिएगा, और सभी लोग अपना कॉपी कलम निकाल के ना, जो लोग लाइव में भी हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग अपना आंसर पहले मार्क करोगे, फिर जो सही आंसर होगा वो हम लोग मैच करेंगे। उससे क्या हो जाएगा ना कि एक डिजिटल टेस्ट जैसा हाल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा सुंदर सा सुबह ही सुबह। चलो तो पहला क्वेश्चन आया है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ और आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का आंसर ए आएगा बी आएगा ऐसे मार्क करते चलना। सही होगा तो सही लगाना, गलत होगा गलत लगाना। तो लास्ट में जब हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होंगे तो एक आपका 50 नंबर का एक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें कितने सही कितने गलत, उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके अपना रिकॉल करना। ठीक है, कि मैं इतना होशियार हूँ या इतना बुद्धू हूँ बोल के। चलो क्वेश्चन नंबर 1, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है क्या कहलाता है। बोल रहा है हाईएस्ट पीक या पीक पॉइंट ऑफ एनी वर्क विच कैन अ स्टूडेंट डू इंडिपेंडेंटली, तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या डिफरेंस, या वास्तविक विकास का स्तर लेवल ऑफ रियल डेवलपमेंट, या संभावित विकास का स्तर, ठीक है, लेवल ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक मानचित्र कॉग्निटिव मैपिंग। चलिए बढ़िया, नया क्वेश्चन लग रहा है ये भैया। किसी कार्य का वह उच्चतम सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, वो अपने खुद के कैलिबर से उस चीज को कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा। चलिए आंसर रिप्लाई कीजिए सभी लोग। समीपस्थ विकास का क्षेत्र मार दोगे, यही तो देखा हुआ लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डिफरेंस है, जो इंडिपेंडेंट किए गए कार्य और किसी के सपोर्ट या गाइडेंस में किए गए कार्य के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी का सपोर्ट लेने की बात कही नहीं गई है। आपसे साफ बोल दिया गया है कि बालक क्या है, इंडिपेंडेंटली अपने कैलिबर पे काम कर रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट आप सेट करेंगे वो उसका क्या रहेगा जी, वास्तविक विकास का स्तर। ठीक है, तो हम लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं ना भैया, हम जितना पाए अपने कैलिबर पे पाए, ये हमारा रियलिटी है। चीटिंग करके पास हो गए तो वो रियलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, वो वास्तविकता भी नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था आत्म केंद्रण में समाहित होता है, ठीक है, ये किशोरावय आत्म केंद्रण में समाहित होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड इन एडोलसेंस। ऑप्शन ए काल्पनिक दर्शन और केंद्रीयण, ठीक है, मतलब इमेजिनरी विजुअलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, या व्यक्तिगत मिथक और सर्वात्मवाद, ठीक है, यह तीसरा है काल्पनिक दर्शन और व्यक्तिगत मिथक, यह चौथा है केंद्रीयण और सर्वात्मवाद। ठीक है, तो किशोरावस्था के दौरान क्या चीजें सम्मिलित रहती हैं, आत्म केंद्रित रहती हैं, मतलब ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, बालक के अंदर क्या आत्म केंद्रित है। काल्पनिक दर्शन मतलब इमेजिनरी विजुअलाइजेशन है, ठीक है, और व्यक्तिगत मिथक मतलब इसको बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी वाइज या पर्सन वाइज क्या बोलना चाहिए, नॉन फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, मिथक मतलब जो नॉन फैक्चुअल है, जो संभावनाएं हम लोग को नहीं दिखती हैं, ठीक है,
जैसे अभी सूरज पे जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो संभावनाएं कम है, पर हाँ हमने किया उस चीज को। पानी के ऊपर भी चले, जमीन पर भी चले, हवा में भी उड़ते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है? तो सर ये दोनों चीजें होती हैं। एक तो बालक अति कल्पनाशील भी रहेगा, सपने बड़े तो रहते ही है ना हम सब लोग के। और दूसरा जो व्यक्तिगत मिथक चीजें हैं, जैसे हम लोग सोचते थे पहले जमाने में कि पंछी उड़ सकती है, इंसान उड़ सकता है क्या? पर आज तो उड़ता है इंसान, ठीक है। आज हम हवाई जहाज में, जेट प्लेन में, इनफैक्ट आजकल तो विंग्स आ चुके हैं, उसका यूज करके कैसे टोनी स्टार उड़ता है हवा में। तो ये जो व्यक्तिगत मिथक है, मतलब पर्सनली जो चीजें मानी जाती है कि ये संभव नहीं है, पानी के अंदर चलना संभव नहीं है, पर आजकल सबमरीन्स बन चुकी हैं, स्क्यूबास बन चुकी हैं, जो पानी में भी चलती हैं, सड़क पे भी चलती हैं, हवा में भी उड़ सकती हैं, ठीक है। चलिए, राइट ब्रदर्स ने बनाया ना वायुयान, चलो तो किशोरावस्था में ही बनाया। राइट ब्रदर्स जब एयरप्लेन बनाए तब उनकी उम्र बहुत ज्यादा बुढ़ापे में नहीं थी, तो किशोरावस्था एडोलसेंस में ये चीजें रहती हैं। ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नहीं अभी थानेश्वरी ये यही चल रहा है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, मतलब ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज, या ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सेप्टेड नॉलेज, या सूचनाओं का संग्रहण और पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, या ये सभी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको पता है सर, मानसिक शारीरिक सभी चीजें कंप्लीट की जाती हैं, तो इसमें आंसर क्या लिया जाएगा सर? ये सभी, ऑल ऑफ द अबव, चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ना, थोड़ा समय लेना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और अपने आंसर स्वयं से मार्क करिए। बोला गया है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है, हेल्पिंग नेचर इन चिल्ड्रंस कैन बी जनरेट। ऑप्शन ए, सहयोग पर व्याख्या देकर, मतलब सप्लाइंग लेक्चर ऑन हेल्प, या दूसरा समूह कार्य द्वारा, मतलब भाई ग्रुप टास्क, या ऑप्शन सी, सहयोग पर चित्र दिखाकर, ठीक है, मतलब हेल्पिंग नेचर पे आप इमेज फॉर्मेशन करो, या व्यक्तिगत सृजनात्मकता कार्य द्वारा, ठीक है, मतलब पर्सनल क्यूरियोसिटी टास्क के द्वारा, कौन सा सटीक होगा? तो बहुत सही है बात, सामाजिक विकास या सहयोग की भावना की बात होगी तो वो या समूह कार्य द्वारा होगी, ग्रुप टास्क के द्वारा होगी। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं लग रहा ना, ठीक है, अपन ऐसा ही कोशिश करेंगे, सवाल भले हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, ताकि किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को तकलीफ ना हो। गर्भधारण से लेकर जन्म तक, वो जन्य मतलब जन्म है, की अवस्था को क्या कहा जाता है? सबको पता है भैया, गर्भधारण से लेके जन्म तक की अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था है कि बचपन है कि उत्तर बाल्यावस्था है या पूर्व किशोरावस्था है? तो सब जान रहे हैं भैया, इसे क्या बोलेंगे, प्रसव होना मतलब जन्म लेना, ठीक है। बचपन जो रहता है ये आप लोग का शैशवावस्था है, 0 से लेके लगभग 5 साल बोल सकते हो, ठीक है, ये इसी में 2.5 साल तक का रहता है, फिर 2.5 साल से 5 साल तक हमारा क्या हो जाता है जी, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से आता है जी, 9 से लेके 12 साल तक, और जो पूर्व किशोरावस्था है ये 12 से लेके 15 साल तक रहती है, समझ में आया, 12 से 14 15 साल तक। चलिए तो ऑप्शंस के बारे में भी पता रहती, ये चीजें रहती बड़ी आसान है, और वही बात है कि हम ना लाइटली लेते हैं, फिर परीक्षा में प्रश्न बन के आ जाता है, और ऐसा है कि सीडीपी में ना एकदम क्लोज आंसर लेना पड़ता है, बीसी में अगर मान लो गलत टिक हो गया वो तो फिर नेगेटिव खा जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम क्लोज रहते हैं ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारिवारिक संबंधों को, ठीक है, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिकता को, ठीक है। इन मिडिल चाइल्डहुड गर्ल्स गिव स्पेशल केयर फॉर फैमिली रिलेशनशिप एंड बॉयज गिव स्पेशल केयर फॉर सोशलिज्म, तो भैया ये किस कारण होता है, पारस्परिक या प्रतिष्ठा? अच्छा कुछ ना उसमें छूट गया है, फिल इन द ब्लैंक्स रहा होगा, तो ये क्या है, मतलब ये सामाजिकता को ये क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया अगर फैमिली रिलेशनशिप को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो वो किस चीज के अंतर्गत आएगा जी? हाँ जी,
फैमिली रिलेशनशिप को अगर इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब वो म्यूचुअलाइजेशन पे बेस्ड है, मतलब पारस्परिकता आएगी, और प्रतिष्ठा सामाजिक हिस्सा हो जाता है। घर में हम लोग प्रतिष्ठा खोजते हैं क्या? रोज तो रोगाहट उरा सुनते रहते हैं, ठीक है? उसमें आप कितने भी बड़े बन जाओ, घर में आपको कुछ भी ऐसा खास इज्जत तो मिलने वाला है नहीं। और क्या जरूरत है घर में इज्जत की? प्रतिष्ठा का जो विषय है वो सामाजिक विषय है, ठीक है? हर बालक चाहता है किशोरावस्था में कि उसे एक वयस्क के बराबर सम्मान मिले, इंपॉर्टेंस मिले, प्रोत्साहन मिले। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। हाउ कैन यू इम्प्रूव दी पॉजिटिव इमोशंस? ऑप्शन ए, तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से। कूट वाला प्रश्न है, बढ़िया देखेंगे। या प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। पॉजिटिव इमोशंस की बात हो रही है, कैसे बढ़ा सकते हो? ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पसंद ही नहीं है और हमसे वो करवाया जा रहा है, तो पॉजिटिविटी नहीं आती, फिर वो बोझ हो जाता है, भले कितनी भी अच्छी नौकरी न है। से कॉलेज में व्हाइट कॉलर जॉब थी, गलत फहमी हो गई थी सामने वाले को और मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छे पैकेज पे भी था, ठीक है, पर मैं जानता था कि मैं डिजाइनिंग का काम कर ही नहीं सकता। हर पर्सन का अपना अलग रहता है। जैसे अपने को फील्ड वर्क पसंद है, लोगों के बीच में जाना पसंद है, बात करना पसंद है, ये चीजें ठीक लगती हैं। अब कुछ लोग को ऐसा रहता है ऑफिस वर्क पसंद रहता है, बाहर निकल के नहीं काम करना है, एसी रूम में बैठना है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। तो ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते, मतलब अगर मैं वो नौकरी ज्वाइन कर लेता तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो सकारात्मक जो सोच है वो बिगड़ जाती, इमोशंस बिगड़ जाती। तो कौन सा इसका आंसर आएगा जी? ये दोनों तो सही थे, है ना? तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम और ध्यान और योग करो, और प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करें। ये लग रहा है रियल सीडीपी के क्वेश्चंस। ये सीडीपी का मतलब ही होता है कि भैया वो आपके सब्जेक्ट जैसा या फैक्ट ओरिएंटेड नहीं होता, ये वैल्यू बेस्ड होता है, ठीक है, आदर्शों पर आधारित। क्वेश्चन देखिएगा, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं। अरे ये बालक की जगह बालिका लिखना था, ठीक है? तथा केवल अपने से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? आत्ममोह कहा, हीरो की पूजा कहा, समूह प्रवृत्ति कहा, या लैंगिक प्रेरण कहा? तो बता सकते हैं सर इसमें क्या आंसर आ जाएगा? सर, खुद से प्यार करना, स्वयं से प्यार करना क्या है? आत्ममोह की अवस्था है, ठीक है? फिर जब वो बालक बड़े होते हैं तब उनको समझ में आ जाता है हम कुछ भी कर ले कोई हमारा ख्याल रखने वाला है नहीं। और फिर ऐसे ही निक्कर में घूमते हैं, फिर बरमूडा में पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डू नॉट इफेक्ट द पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। ये मैंने आप लोग को पर्सनालिटी पढ़ाया था, मतलब जो पुराने स्टूडेंट होंगे तो जब हमने पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ा था तो उसको तीन पार्ट में तोड़ के पढ़ा था। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के क्या माप कैसे करेंगे, ये एक चैप्टर बनाए थे, और व्यक्तित्व विभिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंस, ये तीन चैप्टर में हमने चीजों को कवर किया था। अभी वापस से नई बैच में चीजें फिर से पढ़ाई जाएंगी, तो उसमें हमने ना पर्सनालिटी डिफरेंस अलग अलग फेज पे किया था। एक तो हमने शारीरिक विकास के आधार पे पर्सनालिटी को बांटा था, ग्लैंड्स के आधार पे भी हमने पर्सनालिटी को बांटा था। तो यहीं पे वो सवाल बन के आ गया, आप पढ़े हो, बताओ आपका आंसर क्या आना चाहिए? कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं जी। कौन सा आंसर आएगा जी? पढ़ चुके हो, ये ग्लैंड के बिहाफ पे हमने पर्सनालिटी क्लासिफाई की थी। तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता? कैसे थायराइड ग्लैंड बोल रहे हो? थायराइड तो आपके उसमें था, थायराइड भी था, एड्रिनलिन भी था, ये दोनों तो पर्सनालिटी पे डिपेंड करते हैं। जिसके बॉडी से एड्रिनलिन ज्यादा सिक्रीट करेगा वो इंसान साहसी, ताकतवर और थोड़ा क्रोधी बिहेवियर का होगा, है ना? अभी एक मूवी आई थी आई करके, आई वायरस वाला, तो एड्रिनलिन इंजेक्ट कर लेता था तो अकेला आदमी 10 आदमी को पीटता था,
क्योंकि एड्रेनलिन मतलब बॉडी में आपका एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। साहस, ताकत, रिस्क लेने की ये प्रोबेबिलिटी एड्रेनलिन पे डिपेंड करती है। तो जितने भी साहसी लोग रहेंगे उनके बॉडी में नेचुरली एड्रेनलिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाते समय ये एग्जाम्पल दिया था कि एक देश में एक बालक क्रेन के नीचे आ गया, समझ रहे हैं, क्रेन कितना हैवी होता है, और उसकी माँ क्रेन उठा डाली। मतलब इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन होती है, माँ, रॉकी भाई बोल के गए हैं, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि वो स्थिति वैसी थी, अपने बालक को बचाने के लिए माँ ने, ममता ने ताकत का स्वरूप ले लिया, और एड्रेनलिन सिक्रेट होता है तो इंसान की ताकत कई कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए तो भैया इसमें कौन सा आंसर लिया जाएगा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके पर्सनालिटी पे डिफरेंस क्रिएट करेगा, सबके अपने अपने रोल है ना। थायराइड ग्लैंड में आपको पता है कि फिर आपके शरीर का काया चेंज होने लग जाता है, ठीक है, बोलते हैं थायराइड की बीमारी हुई है, थायराइड मतलब आप फूलने लगेंगे या पचकने लगेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है अभिभावक अध्यापक का, मतलब फिजिकल जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं या जो एजुकेशन होता है उससे प्रभावी जनसंपर्क किसका किसका है, अभिभावक और अध्यापक सभा का, मतलब पेरेंट एंड टीचर्स ग्रुप, या गतिविधि प्रदर्शन मतलब डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन, या खेल प्रतियोगिता का, या दूरदर्शन के कार्यक्रम का। तो भैया शारीरिक खेल में किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जी, तो खेल प्रतियोगिता का। शारीरिक शिक्षा का अर्थ ही होता है खेल प्रतियोगिता, इसलिए स्कूलों में एक टीचर लगाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीटी टीचर, या पीटी पीटी टीचर्स बोल दीजिए, ठीक है, प्ले टीचर्स। चलो अगला क्वेश्चन, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है, मतलब ग्रोथ इज मैक्सिमम इन विच पीरियड। ऑप्शन ए शैशवावस्था मतलब इन्फेंट्री स्टेज में, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज में, प्रौढ़ावस्था मैच्योर्ड स्टेट में, या उपरोक्त सभी। भैया वृद्धि बोल देने से आप इतना समझ गए सर, शारीरिक विकास की बात हो रहा है, क्या हो रहा है सर, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रहा है। और जब फिजिकल ग्रोथ की बात होता है तो कौन से अवस्था में हमारा विकास सबसे तेजी से होता है, तो प्रौढ़ावस्था तो गया, ठीक है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में इंसान के साथ दिक्कत है, इंसान पेड़ तो नहीं है कि ऊपर बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। आप सबने ये पढ़ा था कि बालिकाओं में जो हाइट वाइट है वो 15-16 इंच के बाद रुक जाती है, वहां तक मैक्सिमम हाइट हम अचीव करेंगे, उसके बाद स्टेटिक हो जाएगी। बालकों में ये चीज 17-18 सालों तक चलती है, उसके बाद वेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, पर हाइट क्या होती है, रुक जाती है, सेल्स का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। पर किस एज में फास्टेस्ट होगी अगर ये पूछा जाएगा तो वो कौन से स्टेज है जी, तो आंसर तो ऐसे बाल्यावस्था लेना चाहिए, पर लिया गया है सर शैशवावस्था, क्योंकि एक तो 300 हड्डियां लेके पैदा होंगे उससे ज्यादा, और हो जाएंगी कितनी, वो 206 दांत आएंगे जाएंगे, तो ये सब क्या है, आपका फिजिकल ग्रोथ है, आपका शरीर पूरी तरह से मुलायम शरीर से क्या होगा, एक वज्र के समान काया लेने लगेगा, ठीक है। तो शैशवावस्था इसमें ज्यादा आंसर लेंगे, हालांकि रिलेटिवली देखा जाए हाइट वाइट तो इस एज में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, बट शैशवावस्था, क्योंकि पूरे नए सिरे से बॉडी अपने आप को क्या कर रहा है, रीजनरेट करता है, 300+ हड्डियों की जगह पे हमारे शरीर में हड्डियां जोड़ जोड़ के 206 पे उतरती हैं, दांत आना शुरू होता है, मस्तिष्क का विकास लगभग 85% इस उम्र में हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है जी, शैशवावस्था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के विलियम बुंट जाने जाते हैं, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आया था क्या भैया, सब लोग को पता है विलियम बुंट क्या है, पहला मनोविज्ञानी जिसने क्या किया था, प्रयोगशाला खोजा था, खोला था, ठीक है, जर्मनी के थे। और ऐसे ही एक नाम आता है किसका, पावलाव का, इवान पावलाव पहले मनोवैज्ञानिक थे जो नोबेल पुरस्कार जीत गए थे, ठीक है। चलो हालांकि वो बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार जीते थे, कुत्ते की लार ग्रंथियों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस कुत्ते का नाम क्या था, वाह सब पढ़े थे हम लोग चिंपैंजी, उसका नाम सुल्तान था, तो ये जो कुकुर था उसका नाम क्या था जी,
कुत्ते का नाम बताइए जी, पड़ा हुआ है। ठीक है, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? किस स्थान पे? अरे ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है। ये कहाँ था? लिप्जिंग में। कहाँ बना? लिप्जिंग में बना। बर्लिन मत मार देना, ठीक है? बाकी स्टैनफोर्ड और वियना तो जर्मनी का हिस्सा भी नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, चलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको दिया क्या वो? नहीं, काम करने के बाद लेते हैं। अच्छा, सही गया। तो क्या है, मेरा दोस्त ही पूरा किया था ना। हाँ, तो मैं एक बार पूछ लूंगा उससे। हाँ हाँ अच्छा, मैं पूछ लूंगा ना उससे कैसे किया था वो। ठीक है, हाँ, नहीं होगा तो वही कर देगा, फिर तुम उसको भेज देना। ठीक है, चलो। देखो इधर क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन या अवलोकन या आत्मनिरीक्षण? सबसे ज्यादा उद्देश्यात्मक विधि के रूप में आप किसे देखते हैं जी? कौन सा होगा? उद्देश्यात्मक मतलब जो कि टास्क सेंट्रलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 में सभी लोग आंसर दे रहे हैं सर, ए आएगा। अच्छा, और क्या आएगा सर जी? एक्सपेरिमेंटल आएगा। उद्देश्यात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल रहेगा, प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कलम रोक रहे हैं ना आपका, मतलब नया चीज सीख रहे हैं। अच्छी बात है ना, थ्योरी के बाद हम एक और लेवल पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए। और एमसीक्यू सीडीपी, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू से सीखोगे उतना ज्यादा बेहतर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच अंतर को सही प्रकार से सूचित करता है? ठीक है, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच के डिफरेंस को कौन सबसे बढ़िया इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर है, मतलब इंटर रिलेटेड तो है बट इंडिपेंडेंट है, मतलब म्यूचुअली सेल्फ डिपेंडेंट है। या ऑप्शन बी विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेबल है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। या ऑप्शन सी अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, लर्निंग रेट इज मच हायर देन रेट ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा सही होगा जी, जल्दी बताओ? ए आएगा, बिल्कुल सटीक है भैया, ए वाला कि विकास और अधिगम आपस में क्या है? अंतः संबंधित है और ये एक दूसरे पर क्या है सर? अंतः निर्भर भी है, पार्शियली क्या है, डिपेंड भी करते हैं। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आप अर्न करोगे क्या? जैसे हम अभी बैठ के क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं। फॉर व्हाट? अर्निंग के लिए। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं तभी तो नौकरी लगेगी, तभी तो भैया महीने की सैलरी शुरू होगी और पारिवारिक जो चीजें हैं वो सबल होंगी। ठीक है, तो वेन यू लर्न देन यू अर्न, मच यू लर्न मोर यू अर्न। ठीक है, जितना ज्यादा आप लर्न करते जाओगे उतना ज्यादा आप अर्न करते जाओगे। दुनिया का जो सबसे महान या सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो सबसे रिचेस्ट पर्सन का ख्याति किसी को मिला है इस धरती पर, किसे मिला है? बिल गेट्स को। मतलब कई सालों तक वो रैंक वन पे रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि पिछले 4-5 सालों में देखोगे तो रैंक वन का पोजिशन बहुत बार शफल किया है। कभी बिल गेट्स आ जाता है, कभी कोई और आ जा रहा है, कभी इलॉन मस्क आ जा रहा है, कभी बीच में मुकेश अंबानी भी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, पर क्या है भारत में टैक्स ज्यादा देना होता है करके इन लोग छुपा के रखते हैं। नहीं तो बहुत पैसा है अंबानी जी के पास। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक बार बीच में बहुत जोर से उछल गया था तो मुकेश अंबानी रैंक वन पे थे। जो भी है, मामला ये है कि बिल गेट्स, मतलब सबकी एक मन मर्जी रहती है ना कि यार मैं दुनिया में बहुत अच्छा। कुल मिला जुला के समीकरण यही बैठता है कि आप कितने कमाते। ठीक है, आपके पास अगर लक्ष्मी अच्छी मेहरबान है तो सब सुखी है। तो बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है, कि जितने भी मतलब हमारे बनाई है और हर साल ना एक चीज अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट के रूप में जोड़ लीजिए। समझ लो
मेरा इस बार बर्थडे हुआ, अब इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे के बीच में मैं एक कोई एक छोटा सा टास्क ले लूंगा, लाइक मुझे स्विमिंग सीखना है। 1 साल काफी है स्विमिंग सीखने के लिए, है कि नहीं जी? अगले साल मैं टारगेट लूंगा कि यार मुझे अपने ना बॉडी फिजिक्स पे काम करना है, शरीर बनाना है। 1 ईयर इज मोर देन सफिशियंट टाइम और नॉट? ठीक है, फिर अगले साल मैं सोचूंगा नहीं यार मैं इस साल ना अपनी इंग्लिश अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार कुछ स्किल सीख लेते हैं, कुछ मतलब चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो अगर आप हर 1 साल एक एक स्किल जोड़ते जाते हो अपने अंदर, तो आप 50 साल में 50 स्किल्स के मालिक रहेंगे। और यकीन कीजिए इस दुनिया के 1% लोग भी नहीं होते हैं जिनमें 10 से ज्यादा स्किल्स हो। यहाँ आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अपने अंदर से आवाज लेके बोलिए, क्या आपकी उम्र सबकी लगभग 25 के ऊपर होगी? 5 प्रॉपर ऑर्डिनेट स्किल आपके पास है, 25 तो छोड़ दो। ठीक है, तो वो ये बिल गेट्स ने बोला कि भैया अगर आप 1 साल में, क्योंकि 1 साल बहुत बड़ा टाइम है एक स्किल सीखने के लिए, हम एक एक स्किल अपने अंदर जोड़ते जाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा और हम दुनिया में सबसे अमीर इंसानों में काउंट हो जाएंगे। और ये चीज हम लोग नहीं करते हैं। टाइम बहुत निकलता है और फ्रेमवर्क हमारा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, हम समय को देख के नहीं चलते हैं। और उससे होता क्या है कि हम बहुत सारा समय खर्च कर रहे होते हैं, जैसे 25 साल खर्च हो गए पर गिनती के 10 स्किल हमारे अंदर है। 10 स्किल रहते तो कम से कम आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ तो जरूर रहता है। फैक्ट बता रहा हूँ, एक एक स्किल आपको करोड़ों तो कमा के दे ही देगी, समझ में आ रहा है ना? तो एक स्किल अपने अंदर 1 साल का टारगेट लेके जरूर जनरेट करो। और 1 साल तो इतना सफिशियंट टाइम होता है कि 2-3 स्किल सीखा जा सकता है। मैं स्विमिंग भी सीख सकता हूँ 1 ही साल में, इंग्लिश भी सीख सकता हूँ, बॉडी भी बना सकता हूँ। फैक्ट है, मतलब 10 साल में 30 स्किल आना चाहिए पर होता एक भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है, सोसाइटी का जो डिजाइन है, हम खाली जी रहे हैं, बहुत स्लो स्लो जी रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कई बार आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग हैरान परेशान हो जाते होंगे कि हो सकता है मैं अगले साल पढ़ाना छोड़ दूँ, हो सकता है मैं किसी और रास्ते पे निकल जाऊं, बिकॉज आई लीव माई लाइफ बाई दिस मैथड। ठीक है, मुझे बेहतर लगता है। मतलब अब 20 साल में अपन इंजीनियरिंग किए, 1-2 साल दबा के सोशलिज्म का काम किए, समाज शास्त्री बने, उसके बाद सरकारी नौकरी किए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर अपना ऑनलाइन सेटअप चालू किए, 2 साल हुआ ऑनलाइन सेटअप, इसमें भी बेतहाशा प्यार मिला। हो सकता है अगले साल में कहीं और चले जाऊं कुछ और काम करने। जैसे एक इंसान मुझे बहुत बेहतर लगता है, रोमन सैनी, फाउंडर ऑफ अन अकेडमी। ठीक है, वो बंदा इस चीज को जीता है। 15 साल की उम्र में वो लड़का एम्स क्रैक कर रहा है, इंडिया का यंगेस्ट IAS बना था वो 21 की एज में, 22 रैंक थी उसकी UPSC में, 1 साल IAS की सर्विस की। IAS इज द बिगेस्ट डेजिग्नेशन इन इंडिया ना, बंदा 22 की एज में IAS रिजाइन मार दिया। सोचो, मतलब 22 23 की उम्र में, उम्र ही कितनी होती है 22 23 की, IAS रिजाइन किया, अपनी कंपनी खड़े किया। 2015-16 में अनअकैडमी जब आई, अनअकैडमी का क्रेज इतना उठ चुका था ऑनलाइन में कि एक टाइम लगता था कि हिंदुस्तान में अनअकैडमी ही अनअकैडमी है। ठीक है, मतलब 1 मिलियन ट्रिलियन की कंपनी बना दी, 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी। अभी कितने की एज होगी उसकी? अब देखते हैं, वो डॉक्टर आदमी है, जावा सीख रहा है, कंप्यूटर कोडिंग के लैंग्वेजेस सीख रहा है। तो वो चीज मुझे उसकी बड़ी इंस्पायर करती है, और ऐसे लोग ही बहुत बड़ा काम करेंगे। ठीक है, चलिए, इसलिए जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ ना, मतलब वो रियलिटी रहती है। ठीक है, और वही है, आपके साथ आपका परिवार होता है, उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारियां होती हैं, इसी में तो हम लोग दब जाते हैं। ठीक है, आइए, पर आप लोग अपने आप से भी ना, जैसे अब ये अलग बात हो गई, पढ़ाई के बीच में कुछ बात निकली, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम जिंदा तो हैं पर हम जी नहीं रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर डायरेक्शन लेस है। इसलिए आप 1 साल के अंदर एक टारगेट जरूर रखो जो अपने अंदर आप पर्सनल डेवलपमेंट में डाल लो। 1 साल में आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, मतलब तो सोचो 5 साल अगर मैं इंग्लिश अच्छी कर लूं, अपना बॉडी फिजिक्स अच्छा कर लूं, ठीक है, मुझे स्विमिंग आए, लोगों से बात करना आए और 1-2 स्किल आए, तो आदमी जहाँ खड़ा होगा ना उसकी ऑरा बन जाती है। ठीक है, आसपास की पर्सनालिटी अलग झलकेगी उसकी। तो ये एक काम जरूर करना, अपना इस जन्मदिन से उस जन्मदिन के बीच का आपका जो ड्यूरेशन है उसमें एक टास्क जरूर लेना। मैं अपना पर्स नहीं लाया हूँ, मेरे पर्स में हमेशा एक कागज रहता है जो मैं अपने जन्मदिन के दिन लिखता हूँ, और वो उसको जितने भी टास्क रहते हैं उसको हर साल पे कंप्लीट करके छोड़ देना रहता है। ठीक है,
और इस साल वाला जो मेरा टास्क था वो मार्च में खत्म हो गया था, मतलब पहले तिमाही में ही डन, मजा आ गया था। उसके बाद आलसी। चलो आओ, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, खाली स्लेटों के रूप में, बी छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। खाली स्लेट, सॉरी सॉरी, प्रगतिशील शिक्षा बोला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो सर प्रगतिशील शिक्षा है ना, तो सक्रिय अन्वेषक, बच्चों को एक खोजी प्रवृत्ति का वैज्ञानिक माना जाता है आप लोग का प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। थोड़ा जल्दी जल्दी आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो पढ़ाई लिखाई अलग साइड है, बहुत कम इस चीज पे मैं चर्चा बहुत कम करता हूँ जो मैं आज किया हूँ। ऐसा तो ज्ञान अपन देते ही रहते हैं, बट दिस इज स्पेशल थिंग जो मैं खुद एडॉप्ट करता हूँ हर साल के लिए। इस पर काम आपको भी करना चाहिए, 5-7 साल में आप बहुत बहुत चेंज हो जाओगे। पैसा एक डाटा बन जाएगा, मान शोहरत सम्मान सब अच्छा रहेगा, बस हम वो चीज को थोड़ा डायरेक्शन देके करें। लाइफ बायोग्राफी के अनुसार अधिनियम क्या है, लर्निंग क्या है सर एक, क्योंकि बायोग्राफी का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं सोशलिज्म की बात आने वाली है। अगला क्वेश्चन है जी कि वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता के संक्रमण की, मतलब कि भैया आपके मैच्योरेशन के ट्रांजिशन की स्टेज जो आती है उसे आप क्या कहते हैं सर, मैच्योरेशन के ट्रांजिशन स्टेट को? हाँ जी, क्या कहेंगे? किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था में भी कौन सा? अच्छा, इसमें एक ही किशोरावस्था है, मध्य और उत्तर ऐसा कुछ करके नहीं दिया है ना, क्योंकि किशोरावस्था के तुरंत बाद आप प्रौढ़ावस्था में जाते हैं जब आपको माना जाता है कि आप बौद्धिक स्तर शारीरिक स्तर सभी रूप से सक्षम हो चुके हो, व्यस्त हो चुके हो। अगला, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं, ऑप्शन है उन्हें शामिल करना, उनका संचय करना चाहिए। भैया प्रारंभिक कक्षा कक्ष में, ठीक है, मतलब बच्चे जो भी थॉट लाते हैं क्लास टीचर उसको इंक्लूड करें, या उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, या उनकी उपेक्षा कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, या उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए? तो सर सबसे सटीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देख लो भाई, पढ़ तो रहे हो पर जाके टीचर बनोगे तो तुम लोग ऐसे ही बनोगे खड़ूस टाइप का, बच्चे कुछ बोल ही ना पाए करके एकदम डांट उठ के रखते हैं। हम लोग तो ऐसे टीचरों से पढ़े हैं, उन लोग जबरदस्ती का ऐसा माहौल बना के रखते थे जिसे बात ही ना हो, ठीक है, भले सारी चीजें एक साथ निपट जाती थी। खूब पीटते थे, एकदम जोर जोर से पीटते थे। लय बायोग्राफी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो बायोग्राफी का नाम आया तो समाजवाद जिंदाबाद, उद्दीपन अनुक्रिया बोल दिया तो जी, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस है? ये क्या, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, तो एसआर थ्योरी। देखिए हो गया ना गड़बड़, ये एसआर थ्योरी है ना जी, है ना, अनुक्रिया उद्दीपन बोले तो फिर आप लोग का आरएस थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्किनर और एसओआर थ्योरी बोल दे तो बुड़वत, तीन नाम आप लोग को सेम सेम साउंड करते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, बाकी पुरस्कार एवं दंड ये जो रहता है ये आप लोग का उसमें आ जाता है, एरिक्सन वाले में भी आप ले सकते हो, और साथ ही साथ में पुनर्बलन के अंतर्गत भी आएगा। तो पुनर्बलन का नाम लेने से स्किनर और सीएल हल, क्लार्क लियोपोल्ड हल, ठीक है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन सीटेट का आया हुआ है कि एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जो कि जरूरी था, ठीक है, पुराने फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अनुसार मतानुसार वह बच्चा नैतिक समझ कुवल वर्ग की किस अवस्था के अंतर्गत आ रहा है? तो भैया चोरी एक गैर कानूनी कृत्य है, ये बालक समझ पा रहा है, तो आप बताइए कुवल वर्ग के कौन से चरण में ये बालक खड़ा है जी, कौन से चरण में खड़ा है? तो सर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास,
मतलब उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, मतलब उसकी आज्ञा है, समय की डिमांड है, बट साथ ही साथ में दंड का विधान भी है। और छोटे बच्चे इसलिए कोई भी अनैतिक या गलत काम करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें दंडित होने का भय रहता है, ठीक है। इसलिए वो जो माता पिता वाला जो थप्पड़ उठा के रोक लेने वाला जो सीन रहता है ना, वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक रहता है, उसमें ज्यादा सीखते हैं। आप थप्पड़ उठा के बार बार पीटेंगे ना बालक को, तो वो डर टूट जाता है, उसके बाद वो बेशरम हो जाता है, ठीक है, उसको डर नहीं रहता ना पिटाने का। चलिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं, अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? सर, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान? तो अवधारणा की बात हो रही है, अवधारणा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा जी? स्कीमा शब्द आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। सीटेट का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है सीटेट, ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, या फिर सामाजिक क्रम अभिविन्यास है? किसके अंतर्गत आएगा जी ये? सार्वभौमिक, क्योंकि भैया अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों का सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के ऊपर काम करेगा, मतलब यूनिवर्सल थॉट रहेगा, ठीक है। कि किसी को प्यास लगी है, मतलब अगर हम सक्षम है तो उसे पानी पिलाए। पहले जमाने में होता था ना, वर्ण व्यवस्था बढ़ जाती थी कि भैया उच्च जाति नीच जाति वाले पानी पर भी अधिकार नहीं रहता था, तो वो चीजें इस नियम को, मतलब सामाजिक नियम पे ध्यान ना देके जो नैतिक नियम है, मतलब कि भैया प्यासा है इंसान, इंसान प्यासा है, क्या पशु भी प्यासा है, तो उसे पानी पिलाना है। चलिए, वो बेचारे जीव जंतु लोग बच गए, उन लोगों में वर्ण व्यवस्था नहीं की गई है ना। अगर कुत्ते के कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, ऐसा है क्या? नहीं है, उन लोग एक जैसे हैं, इंसान ही बेचारा अलग अलग हो गया। और धर्म सबसे ऊंची चीज हो जाती है यार, पूरी दुनिया की लड़ाई का सबसे बड़ा आधार धर्म है। इस्लामिक कंट्री अलग बन रहे हैं, ईसाई कंट्रीज अलग बन रहे हैं, सब अपने अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उम्र हो गई 7 से लेकर 11 वर्ष की, तो भैया कौन सा प्रमुख कौशल है? द्वितीय बर्तुल प्रतिक्रिया है, सजीवात्मक चिंतन, या तुलना, समानता असमानता बताने की योग्यता, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क? तो निगमनात्मक तो अमूर्त में आता है, ये तो होना नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा जी आप लोग का? तुलना करना, समानता करना, असमानता करना, तर्क करना, गणितीय कौशल, ये सब आप लोग का मूर्त में आने लगता है। हालांकि गणितीय कौशल निगमनात्मक चिंतन है, तो थोड़ा सा बाद में ही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए, सक्रिय विनियोजक से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रिया? तो बता दीजिए कौन सा इसमें सही आ जाएगा जीन पियाजे के अनुसार? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोगों को तो कुछ ना कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन जरूर दिए होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे, और मोस्टली क्वेश्चन आप लोग के सीटेट के और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न थे, ठीक है। तो हम एमसीक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये लगातार सुबह 7 बजे जारी रहेगी। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।